हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बजने वाले हैं पौने नौ बज चुके हैं और 9 बजे हमें लगाना है कैंडल या जो भी फ्लैश लाइट या दिया। तो ये सारी चीजें हमें आज लगानी है। जैसे कि आपको मैंने कल के ब्लॉग में बताया था, यहाँ पर अद्विक वॉच कर रहे हैं, तो ये लगाने हैं हमें लाइट्स ऑफ करके हमारे घर के। इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी डिनर की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि 9:15 बज चुके हैं अभी और डिनर की तैयारी कर रही हूँ। आज की डेट है 5, तो आप लोगों को सभी को पता है कि मोदी जी ने कहा है कि हमें आज करना है ये सारी चीजें। हमारे घर के लाइट्स ऑफ करके 9 मिनट के लिए हमें 9 बजे दिए लगाने हैं या कैंडल लगानी है, तो यही चीजों की तैयारी हो रही है। यहाँ पर इन्होंने कैंडल भी, मैंने सुबह ही कैंडल एक्चुअली खत्म हो गए थे घर के, तो इसी वजह से मैंने इनको कैंडल भी लाने के लिए बोल दिया था। तो ये कैंडल्स भी लेके आए हैं, यहाँ पे कैंडल्स रखी है, इतने सारे कैंडल्स लेके आए हैं। और यहाँ पर मैंने भून के रखा है मसाला, मैं अभी बनाने वाली हूँ एक करी। आज भी एक करी बनने वाली है, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था यार एक्चुअली कैसे हो रहा है कि दालें वाले बना रही हूँ घर पे, थोड़ा सा उसका प्रॉब्लम चल रहा है सब्जियों का, तो इस वजह से कुछ घर की ही चीज़ें बनाना पड़ रहा है। तो अभी एक तो है तो एक ये लेके आए थे, इस वजह से मैंने सोचा चलो आज एक करी बना लेती हूँ, तो एक करी जल्दी बन जाएगी। मैंने पहले ही मसाला भून के रखा था। यहाँ पर प्याज जो है इधर भून के रखा है, जैसे कि मैंने आपको मसाला बताया था कि प्याज मैं भून लेती हूँ। तो उस दिन श्रीकांत ने मसाला बना के दिया था, तो इसी वजह से मैंने आपसे मसाला शेयर नहीं किया था। तो मैं यहाँ पर प्याज भून लेती हूँ सबसे पहले, और उसके बाद ये यहाँ पर भून दिया है क्या बोलते हैं सूखा नारियल, तो इसको अभी पीसना है। तो मैं एक साथ ही पीसती हूँ, क्योंकि क्या करता है कि अलग अलग पीसता है, बट मैं एक साथ पीसती हूँ दोनों चीज़ों को मिला के। और अदरक लहसुन का पेस्ट तो चाहिए होगा, तो उसके लिए पेस्ट मैंने बना के रखा, कल के ब्लॉग में ही आप लोगों से शेयर किया था मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बनाया था। तो मैं अभी इसको पीसने वाली हूँ इसके साथ। लाइट्स ऑफ करने हैं अभी, कैंडल ले लिया ना, ये माचिस देखो माही रेडी है, और अब करते हैं लाइट्स ऑफ। यहाँ का भी कुछ भी नहीं दिख रहा है, चलो अंधेरा कायम रहे। बंद करो बंद करो, फ्लैश लाइट लगा अभी से, क्योंकि अभी कितने बजे अच्छा आज 8:53 कितने अच्छा क्या बोलते हैं 53 मिनट, 8:53 हुए हैं। यहाँ पर सर तो रेडी है, यहाँ पे सारी चीजें लेके हैं, फ्लैश लाइट जला क्या हो गया फ्लैश लाइट हाँ नहीं नहीं ये बाहर का लाइट नहीं लगाना है वेड़ हाँ हाँ
टाइम है ना। यहाँ पर सब मिलके अभी कैंडल जलाने वाले हैं हम लोग। अद्विक रेडी हो ना? हाँ। अरे वाह, इतने जोर से आवाज निकाल रहा, एक्साइटेड है अद्विक तो बहुत ज्यादा। हाँ। है ना, कैंडल जलाने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ। अरे वाह, चलो सब मिलके कैंडल जलाएंगे आज। आज दिवाली है, दिवाली। हाँ, दिवाली है। आज क्या है अद्विक? दिवाली। अरे वाह, आज तो दिवाली है। यहाँ का लाइट अभी जला के रखा है क्योंकि कितने कितने बज रहे हैं अभी? ओ 8:55 हो गया, 8:55 हो गया। अब सारे रेडी है, बस जैसे ही 9 बजेंगे वैसे लाइट्स ऑफ। नीचे के तो सब लाइट ऑफ कर दिया है हम लोगों ने। हाँ, फिर रहेगा नहीं, अंधेरा कायम नहीं रहेगा, फिर कैंडल जलाएंगे, कैंडल कायम रहेगा। 9 बज गए थे और सभी लाइट ऑफ हो गई थी, मतलब स्ट्रीट लाइट, सारे घर की लाइट्स ऑफ हो गई थी, बिल्कुल अंधेरा सा दिख रहा था। और सभी लोगों ने फिर उसी टाइम दिए जलाए और बच्चे ना मतलब पटाखे ना काफ़ी देर से फूट रहे थे, 8:30 बजे के बाद से ही पटाखे फूटना स्टार्ट हो गए थे। तो बच्चों को ना थोड़ा सा एक्साइटेड थे बच्चे भी, बच्चों को भी लगा कि हम भी पटाखे फोड़ते हैं, क्योंकि रामनवमी के दिन भी उन्होंने बहुत सारे पटाखे फोड़े थे और दिवाली के पटाखे अभी भी है घर पे, तो बहुत सारे लाए थे इन्होंने दिवाली के टाइम पे पटाखे, तो वही पटाखे अभी भी चल रहे हैं। तो इसी वजह से बच्चों को ना बच्चे बहुत एक्साइटेड थे पटाखे वगैरह फोड़ने के लिए, कैंडल जलाने के लिए। तो वैसे पटाखे फोड़ने के लिए बोला नहीं था मोदी जी ने, तो लेकिन पटाखे सब लोग फोड़ रहे थे ना, तो बच्चों को भी थोड़ा सा वो हो रहा था कि नहीं आज दिवाली है। और दिवाली जैसे ही माहौल हो गया था, सब लोग दिए जला रहे थे घर के आगे और ये सारी चीज़ें कर रहे थे। हम लोगों ने कैंडल वगैरह जलाई थी, फ्लैश लाइट लगाया था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे थे। दिए वगैरह मैंने नहीं लगाए थे, तेल के दिए हम लोगों ने कैंडल्स जलाए थे, तो इस तरह से हम कर रहे थे। और यहाँ पर बच्चों को तो दिवाली जैसे ही माहौल लग रहा था तो बच्चे पटाखे ही फोड़ रहे थे, पटाखे फोड़ने में ही बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और उसके पापा मतलब अद्विक तो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था, पटाखों की आवाज़ आने लगी थी उस टाइम से, उसके पापा को ज़िद कर रहा था कि मुझे भी पटाखे फोड़ने हैं, पटाखे फोड़ने हैं। तो उसके पापा फिर उनको पटाखे फोड़ने के लिए दे रहे थे, तो ऐसे करके। और हवा तो इतनी थी यार कि दिए भी बुझ जा रहे थे और वो कैंडल्स भी जो हम लोग लगा रहे थे वो कैंडल्स भी बुझे जा रही थी। तो एक दूसरे के इसको लगा लगा के हम लोगों ने कैंडल वगैरह जलाई, ये सारी चीज़ें 9 मिनट से ज़्यादा की है हम लोगों ने, और मुझे तो लगता है कि सभी ने 9 मिनट से ज़्यादा की होगी। आप लोगों के यहाँ पे स्ट्रीट लाइट वगैरह बंद हुए थे या नहीं हुए थे ये ज़रूर बताना मुझे, पहले तो नहीं हुए थे हमारे यहाँ पे, मतलब जैसे 9 बजे हम लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑफ कर दिए सारे, तो उस टाइम तो स्ट्रीट लाइट ऑफ नहीं हुए थे। मैंने फिर इनको बोला भी कि स्ट्रीट लाइट यार ऑफ नहीं हुए हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। उसके थोड़ी ही देर के बाद स्ट्रीट लाइट ऑफ हो गए, तो सारा अंधेरा सा हो गया था, पूरे कॉलोनी में अंधेरा हो गया था। एक्चुअली आप लोगों को पता ही है कि मेरी कॉलोनी थोड़ी सी वो है कि यहाँ पर एकदम पास घर नहीं है, सारे दूर दूर घर है, तो इतना ज़्यादा आपको उजाला नहीं दिखाई दे रहा है जैसे कोई अपार्टमेंट या सारी चीज़ें होती है ना, एकदम पास से घर होते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा उजाला दिखाई दे मतलब देता होगा। अगर आपका भी अपार्टमेंट वगैरह में या ऐसी सोसाइटी में घर है तो आपको पता होगा, मतलब आजू बाजू में एकदम उजाला दिखाई देता है। तो इस तरह से हम लोग पटाखे ही फोड़ रहे थे, फिर उजाला तो इतना दिखाई नहीं दे रहा था हमारे कॉलोनी में, लेकिन दिए वगैरह सभी लोगों ने लगाए थे। 9:09 हो गए ना, 9:13 हो गए यार, फिर भी कोई लाइट ऑन करने के लिए रेडी नहीं है, कोई किसी ने लाइट ऑन नहीं किया, किसी ने लाइट ऑन नहीं किया। देखो पटाखे इतने फूट रहे हैं कॉलोनी में, आवाज आ रही होगी आप लोगों को। अभी नहीं ऑन किए थे सब लोगों ने अभी लाइट, नहीं थी बंद है, बट कुछ ये देखो ये सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हेलो। ठीक है फोड़ जाइए। 9:15 हो गए हैं, फिर भी अभी तक किसी ने लाइट ऑन नहीं की है, मतलब इतना ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। 9 मिनट के लिए बोला था, अभी तक 15 मिनट हो गए हैं, किसी की लाइट ऑन नहीं हुआ है आपको। और हमारे यहाँ पे तो दिवाली ही आ गई है, लेकिन यार मानना पड़ेगा सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं,
एक भी घर यहाँ पे ऐसे नहीं दिख रहा है कि जिसके घर के ऊपर लाइट नहीं दिख रहा है या दिए नहीं दिख रहे हैं या कैंडल लगाए हुए नहीं दिख रहे हैं। सब लोग ऊपर आए हैं गैलरी में या अपने अपने टेरिस पे या अपने अपने घर के दरवाजे में, सब लोगों ने दिए लगाए हैं जैसे आज दिवाली है। सिर्फ हवा की वजह से ना ये रुक नहीं रहे है, बस इतना ही। ओह बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है यार, रुको आपको दिखा दी। हैप्पी दिवाली। देखो सिटी का नजारा दिखाती हूँ मैं आपको, मेरे घर से तो इतना नहीं दिखता है फिर भी पटाखे वगैरह फूट रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी अभी तो किसी ने लाइट ऑन नहीं किया यार, अपना भी लाइट लगाओ भाई। भाई ये किधर से क्या है यार, दोनों तरफ से लगा रहा है। अरे हतार दखते नहीं। नीचे आ गए और मैं मसाला भून रही हूँ। एक्चुअली मैं मसाला भूनते भूनते ही ऊपर चली गई थी क्योंकि मसाला मेरा पूरा भुना नहीं था और 9 बजने में 5 मिनट मतलब 5 मिनट नहीं 8 मिनट ही कम थे, तो मैंने सोचा चलो ऊपर जाती हूँ। ये लोग सब लोग ऊपर वेट कर रहे थे मेरा तो, और हाँ सभी ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया आज। और आज पता चला भारत में एकता है करके है ना, तो बहुत ज्यादा सपोर्ट किया यार आज सभी ने, मतलब एक भी लाइट ऑन नहीं था हमारे कॉलोनी में भी, तो बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है। और मतलब ऐसे ही हम लोग सपोर्ट करेंगे ना तो कोरोना से बच जाएंगे और कोरोना भाग जाएगा हमारे देश से ना। तो यहाँ पर पति देव बना रहे हैं ऑमलेट बच्चों के लिए और मैं मसाला जो है वो भून रही हूँ, तो मसाला भून लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आपसे। कैंडल लगा के कैसे लगा, इधर ये खाओ ऑमलेट। यहाँ पर हो रही है क्रिकेट मैच। अद्विक अद्विक चीटिंग मत करो, अद्विक अद्विक आप फील्डिंग अच्छे से करो। अद्विक कैच पकड़ो, अद्विक कैच पकड़ो, कैच अद्विक कैच, अद्विक भाई दीदी अभी भैया के पास कैच देना, कैच देना भैया के पास में। अद्विक हेलो, अद्विक कैच करना, अभी मैं बॉलिंग डालता है। लो अद्विक ने बाजू ऊपर कर लिया और पप्पा माई के लिए बॉल डालेंगे, फील्डिंग करेंगे अद्विक। चलो के बॉल आपको लाना पड़ेगा। अद्विक आप फील्डिंग कर रहे हो या क्या कर रहे हो, बाजू ऊपर कर रहे हैं उधर देखो ना, अंधेरे में आपकी आंखें देखो कैसे चमक रही है आपकी, एक मिनट ब्लर ब्लर हो रहा है पूरा आपकी आंखें, एकदम रेड रेड चमक रही है आपकी आंखें। भाई चलो अभी फील्डिंग कर रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे और उसके पापा। देने रही है आपको, चीटिंग कर रही है दीदी आपसे। खाना वगैरह खा लिया, डिनर हो गया है, अभी डिनर पचाने की ये तैयारी चल रही है। एक मिनट में अंदर जाती हूँ। तो गाइस चलिए अभी 11 बज चुके हैं और यहाँ पर इनका तो खाना पचा रहा है और मैं बैठी हुई। आपका घर में क्या चल रहा है लॉकडाउन में ये जरूर बताना मुझे। रात को हम लोग ऐसे ही बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और मैं वहाँ पर बैठी रहती हूँ। अभी बज रहे हैं 11, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, हॉल वीडियोज़,
इस तरह से डालती रहती हूँ। और आप में से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे हैं तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। हाथ दर्द कर रहे हैं तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।